Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who plan to be for CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about our CMAT 2022 Platinum course that we have launched. So guys, this video is extremely important because काफी लोग keeping कर रहे थे regarding the course की हम लोग का dedicated CMAT course कब से launch हो रहा है. So finally, we have launched. And if we compare this course with last year course, the last year course उससे काफी ज़्यादा differentiation है because इस साल we have launched the live Zoom classes for each and every section. Last year क्या था quants LR weekly हम लोग practice sessions करते थे Telegram and WhatsApp पे. But guys, Zoom class कर रहे हैं इस बार हम लोग हर एक chapter की बहुत ज़्यादा detail में पढ़ाया जाएगा एक एक chapter जितना भी relevant है और कोई भी variety छोड़ी नहीं जाएगी. तो Zoom class आपको पता ही कितना interactive होता है. Other thing is उसकी recording सब आपको मिलेगी. तो ये बहुत बड़ा differentiation factor है और भी काफी चीजें discuss करने वाले हैं. तो गाइस जरूर से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आता है काफी लोग की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं डिटेल्स के साथ. मैं आपको डिटेल्स एंड रिजल्ट्स वगैरह सब दिखाऊंगा, रिव्यूज वगैरह, उससे बाद आपको आइडिया लग जाएगी कोर्स कैसा है. चलो गाइस, तो गाइस पहले ये फैकल्टीज हैं, कौन कौन क्या पढ़ाएगा. क्वांट्स एंड एनडीआई मैं पढ़ाता हूँ, आप देख सकते हो प्रोफाइल सारी फैकल्टीज का. एलआर एंड वीआरसी के लिए वी हैव दिवांशु सर, एंड फॉर जनरल अवेयरनेस के लिए वी हैव मानसी मैम. ठीक है, मानसी गुप्ता. तो ये आपके सामने फैकल्टीज के प्रोफाइल से, यू कैन चेक आउट दिस. ठीक है, चलते हैं अब आगे. तो गाइस सीमैट का ये जो कोर्स है एक स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट से. तो लाइव जूम क्लासेस फॉर क्वांट्स बीआई एलआर एंड वीआरसी 5 डेज अ वीक कवरिंग एंटायर सिलेबस क्यूरेटेड फॉर सीमैट एग्जाम. तो गाइस मिनिमम 5 डेज अ वीक क्लास होगी क्वांट्स बीआई एलआर वीआरसी की, 3 डेज क्वांट्स एंड 2 डेज एलआर वीआरसी. गाइस ये मिनिमम क्लासेस है बिकॉज़ टाइम कम एंड काम ज्यादा. तो या मान के चलो आपकी आगे जाके क्लास ये जो 5 डेज आपको दिख रहे हैं ये क्लासेस आपके 8 डेज 9 डेज भी हो सकती है, मतलब 8-9 सेशंस भी हो सकते हैं. कभी कभी आपको 2 सेशंस ही देंगे मिलेंगे पर डे. ठीक है, क्योंकि गाइस हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को 20th ऑफ दिसंबर मैक्स टू मैक्स 20 दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म करना है. और कोर्स काफी वास्ट है बिकॉज यू नो कि सीमैट में सीमैट एंड एसआरसीसी एंड स्नैप इन तीनों का मेन फंडा क्या होता है कि ये लोग क्वेश्चन ईजी देते हैं. क्वेश्चन इनके ईजी होते हैं बट ये हर वेरायटी के क्वेश्चन देते हैं. आप यू कैन ऑल्सो गेट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन ऑल्सो गेट क्वेश्चन फ्रॉम बेस सिस्टम्स, कुछ भी आ सकता है. तो हमको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा आपको लाइव. ठीक है, तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा अच्छे से. डेडिकेटेड स्टूडेंट पोर्टल आपको मिलेगा हम लोग की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपका क्वांट्स एलआरडी वीआरसी के सारे थ्योरी एंड डाउट्स प्रैक्टिस शीट्स और जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी सब वो उसमें रहेगी. यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल एग्जाम, जब तक आपका सीमैट एग्जाम नहीं हुआ तब तक आपके लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, 25 प्लस एडिशनल वीडियोज कवरिंग यूनिक शॉर्टकट्स वगैरह के लिए 25 प्लस वीडियोज रहेंगे एडिशनली. 20 प्लस थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स ऑफ क्वांट्स कवरिंग कंप्लीट सिलेबस फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. गाइस लाइव सेशन के बाद आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिस हैंडआउट्स आपके रहेंगे जहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 के हैंडआउट्स रहेंगे. वो लेवल के जो हैंडआउट्स होंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे सारे नॉन कैट लेवल के होंगे, प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस. ठीक है, तो गाइस बेसिकली क्या होता है, एजेंडा कैसे होता है, जैसे हमने परसेंटेजेस की क्लास कर ली, परसेंटेजेस की 2 सेशन में आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट लगानी है, आपको एक टाइम दिया जाएगा कब तक खत्म करनी है. जब आप वो टाइम निकल जाएगा उसके बाद हम लोग डाउट सेशन रखेंगे. उसका डाउट सेशन में क्या होगा, आपने प्रैक्टिस शीट के मान लो प्रैक्टिस शीट में 120 क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो आपने लगाया आपको 5-6 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन जितने भी नहीं आए. वैसे तो हम लोग क्लास में इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि चांस ही नहीं है कि ऐसा हो, बट स्टिल 4-5 क्वेश्चन में डाउट आ जाता है. तो वो सब क्वेश्चन आपके लाइव क्लास में डिस्कस होंगे डाउट सेशन में. डाउट सेशन का अलग सेक्शन बनेगा जहाँ पे मैं डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा. ठीक है, तो ऐसा सबके लिए होगा. तो वैसे ये कौन सारे चैप्टर्स के लिए होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस शीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे. थ्योरी हैंडआउट में क्या होता है, फॉर्मुलेज वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं. तो हर एक चैप्टर की आपको थ्योरी हैंडआउट मिलेगी और प्रैक्टिस शीट मिलेगी, चाहे वो कौन, चाहे वो परसेंटेजेस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो. 20 प्लस एलआरडीआई एडिशनल वीडियोस कवरिंग यूनिक कॉन्सेप्ट, एडिशनल वीडियोस एलआरडीआई के भी होंगे और 20 प्लस थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट हैंडआउट्स होंगे एलआरडीआई के भी सेम. ठीक है, सिमिलरली आपके लिए वीआरसी के लिए रहेगा 20 प्लस एडिशनल वीडियोस फॉर वीआरसी एंड उसकी भी आपको थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी. देन वी हैव जीके कोर्स. तो गाइस हम लोग का जीके फॉर एमबीए का जीके कोर्स होता है, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट कोर्स है बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा क्यूरेटेड फॉर्म में कंटेंट मिलता है थ्रू पीडीएफ्स, शॉर्टकट वीडियोस, 100 प्लस टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड बेस्ट थिंग इज पेटीएम कॉन्टेस्ट. ये सब तो रहते ही, साथ में आपके 2 डेज प्रैक्टिस सेशन होते हैं टेलीग्राम पे, 2 डेज अ वीक. ठीक है, सैटरडे संडे को रहते हैं वो. प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल पहले से मिल जाता है आपको, एक आपको उसको पढ़ के आना होता है, वहाँ पे आपको आंसर देने होते हैं. सबसे अच्छी चीज गाइस जो है वो है पेटीएम कॉन्टेस्ट. पेटीएम कॉन्टेस्ट क्या होता है, 15 क्वेश्चन का क्विज होता है, उसमें आपको तैयार करके रखना होता है पहले से, आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो टॉप 2 में आता है उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलता है. ठीक है, जीके फॉर एमबीए कोर्स में आपका 40 प्लस स्ट्रेटेजी के हैंडआउट्स होते हैं, सीमैट एग्जाम के लिए 25 प्लस करंट अफेयर्स हैंडआउट्स होते हैं, डेली रीड्स मैगजीन आपको ग्रुप में मिलती है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम के,
वहाँ पे डेली मैगजीन पोस्ट होती है जहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स वोकैब एंड इडियम्स एंड आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। 50+ जीके टॉपिक टेस्ट होते हैं, 20 मीडियम कंटेंट्स बता चुका हूँ, और आपको इस कोर्स के साथ 10 सीमेंट मार्क्स मिल रहे हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए गाइस टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनना है अगर तो टॉपिक टेस्ट प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। तो टॉपिक टेस्ट आपको 300+ मिलेंगे, मतलब 125+ पॉइंट्स के, 150 VRC के, 150 LR के, NDI की 60-70, ठीक है। तो गाइज ये कोर्स जो वैलिड है, कोर्स की जो मैंने बताया आपको सिलेबस आपको 23 दिसंबर तक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर पर डिस्कस करेंगे। बट कोर्स की जो वैलिडिटी है, ये वैलिड रहेगा आपका सीमैट एग्जाम तक। सीमैट एग्जाम जब भी होता है तब तक आपके पास एक्सेस रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया जनवरी, क्योंकि कोविड की वजह से कभी बढ़े आते हैं एग्जाम, ठीक है। तो गाइस कोर्स की जो प्राइस है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रखा है, बिकॉज एक ही चीज लाइव पढ़ाई जा रही है। आपको ऐसा नहीं कि आपको खाली रिकॉर्डिंग दे दी देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, लाइव पूरी क्लास हो रही है और काफी ज्यादा वैरायटी कवर करने, उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमने काफी कम रखी है। इस कोर्स की प्राइस है 5000 ओनली, ठीक है, और बहुत डेडिकेटेड कोर्स है ये कोर्स। गाइस हम लोग 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, अभी हम लोग का ये कोर्स का एनरोलमेंट क्लोज होने वाले 3-4 दिन में, तभी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। काफी लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं इसमें, ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं ऑलरेडी। तो हम लोग का बैच साइज जो होता है वो टाइपिकली 40-50 बच्चों का होता है, ज्यादा बच्चों का बैच साइज रखते हैं नहीं हम लोग, बिकॉज डाउट क्लियर में इशू होता है। बट यू कैन से 20-21 बच्चे भी एनरोल्ड हैं, काफी बच्चे एनरोल करने वाले हैं, ठीक है। 20 की आप तो मेरे ख्याल से 28-29 बच्चे हो गए होंगे, ठीक है, बट काफी बच्चे भी करने वाले एनरोल, ठीक है। इसमें काफी बच्चों ने ऑलरेडी लिंक ले लिया है। तो गाइस ये अच्छा मौका है अगर आपको वाकई सीमैट निकालना है, और बेस्ट थिंग क्या है, सीमैट रिपोर्ट लेने के बाद आपका टेस्ट, SRCC, GBO, इवन स्नैप एंड मैट भी पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपका एक कोर्स सब हो जाएगा। अगर आपको मॉक्स अलग से लेने हो सीमेंट ले, तो आप अलग से मॉक्स का पे कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको 10 सीमेंट के मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो 13 को हम लोग की हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री की हो गए, 2 क्लास हो गए ज्योमेट्री, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये कोर्स के हम एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे 3-4 दिन के अंदर, ठीक है। जितनी जल्दी करोगे तो आपका फायदा है, बिकॉज आपका लॉस होगा वरना, क्योंकि लाइव क्लास चली रहेगी, ठीक है। तो गाइस ये था डिटेल्स, बाकी हम लोग बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो कुछ आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स का, लाइव क्लास के सेशंस का आप रिव्यू देख सकते हो यहाँ पे पॉज करके, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। बाकी मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सीमैट के रिजल्ट्स एंड सीमैट के रिव्यूज लास्ट ईयर के। तो गाइस ये पास्ट ईयर रिव्यूज हैं, आप खुद देखो। शिवम राय स्कोर 99.89 इन सीमैट लास्ट ईयर। तो गाइस मैंने बताया आपको लास्ट ईयर कोई लाइव क्लास थी ही नहीं, उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट था काफी, ठीक है। आप देख सकते हो 100-100 मार्क्स क्वांट्स LR में आए लोगों के, ठीक है। तो गाइस अच्छा एग्जाम है, अगर JBI में सिडनी में जाना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप कर सकते हो तैयारी। गाइस हम लोग के कुछ टॉप स्कोरर्स हैं सीमैट के लास्ट ईयर के, ये आप देख सकते हो। 97 के ऊपर तो लिखा ही नहीं, क्योंकि 95 से 97 बहुत लोग थे, बट इतना ज़्यादा लिखने का फायदा नहीं है, तो 97+ तक ही लिखा हम लोगों ने, ठीक है। बाकी आप खुद देख सकते हो बाकी एग्जाम्स एंड सबके रिजल्ट, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप। टेस्ट का रिजल्ट है हम लोग का ये, ठीक है। टेस्ट का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था लास्ट ईयर, टेस्ट का भी काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का है। तो बाकी गाइस अगर ढंग से अगर स्ट्रक्चर या तैयारी करनी, बिकॉज सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं जिनका नंबर नहीं आता, उनका रीजन ये है कि बच्चे वैरायटी नहीं पढ़ते हैं, वे जस्ट कीप ऑन टेकिंग मॉक्स, और मॉक्स आप चाहे 1 नहीं 10 दे दो, 50 दे दो, अगर आपने वैरायटी नहीं कवर की तो आपका नंबर नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं उनका हमेशा स्कोर ज़्यादा ही आता है, रीजन क्या है, वो हर सेक्शन में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने वैरायटी पढ़ रखी है। बट आपके साथ क्या होता है कि आपने 10 में से 2 मार्क आपका अच्छा आया, बाकी 8 में एवरेज स्कोर आया, रीजन क्या, आपने ढंग से वैरायटी नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी ये FAQs है, ठीक है। तो आप देख लेना पॉज करके, और गाइज कोई अगर डाउट है तो मुझे पिंग कर सकते हो यहाँ पे, आप यू कैन पिंग मी, ठीक है। वेबसाइट पे भी हम लोगों ने अलग कोर्स शायद अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट कर दूंगा, बट यू कैन पिंग मी, आपको सारी डिटेल्स एंड ब्रोशर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, सो दिस वाज अलुदी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे आप पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे।